ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 31 जुलाई 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निद्रा चित बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। बाबा कहते हैं, पढ़ाई कमाई है और कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तो अगर अंदर अंदर नॉलेज का सिमरण करते रहें तो नींद भी भाग जाएगी और उबासी भी नहीं आएगी। और बाबा कहते, संगम युग का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। हर एक सेकंड सफल कर हमें ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तो बाबा कहते, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना, है ना। ऐसे नहीं कि कोई फिदा होकर ख़त्म हो जाना है, लेकिन बाबा कहते हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो विनाश तो नहीं होती। लेकिन बाप पर फिदा होने का अर्थ क्या है? कि बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। और बाबा कहते, फिदा क्यों होना है? फिदा होने का इतना गायन क्यों होता है? तो बाबा कहते हैं, आत्मा जब बाबा की याद में समा जाती तो आत्मा जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, जैसे पावर हाउस से कनेक्शन हो जाता है। विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं और कमाई जमा हो जाती है। इसलिए बाप पर फिदा होना है, अर्थात बाप की यादों में समा जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो सभी अपने रूहानी बच्चे स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा, रूहानी बच्चा, रूहानी बाप से सुन रही हूँ। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा कैसे बैठे शरीर के साथ? जानते हो, मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है। और इसके बाद क्या मिलेगा? मृत्यु लोक रहेगा? नहीं, फिर हमें घर जाकर अमर लोक में नया शरीर मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे, लेकिन कोई आगे कोई पीछे स्वर्ग में जब आएंगे तो वहाँ नया शरीर मिलेगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। कब आएंगे, किस पद पर आएंगे, उस सब का निर्णय किससे होगा? पुरुषार्थ से। इसलिए कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे बाप शांति का, सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का, सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। बाबा क्यों आए हैं? क्योंकि बाबा आए तब तो आप समान बनाए। और हमें कहाँ जाना है? शांति धाम, फिर सुख धाम। तो इसलिए पहले बाबा आते हैं, हमें आप समान शांति का, सुख का सागर बनाते हैं। फिर हम बाप के घर, अपने घर शांति धाम जाते हैं, फिर सुख धाम आते हैं, क्योंकि बाप ने हमें आप समान शांति का, सुख का सागर बनाया। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है, क्योंकि अब जाना है।
यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योगग्नि, है ना। तो कौन सी अवस्था में? याद में जितना बैठते हैं उतना हमारे विकर्म भस्म होते हैं। जैसे आग में कोई चीज़ डालो तो भस्म होती है, ऐसे योग अग्नि में जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते। सन्यासी किससे योग लगाते? ब्रह्म घर से। वो तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं, बाकी उन्हें ये पता नहीं है कि ब्रह्म और परमात्मा में अंतर क्या है, लेकिन वो ब्रह्म से योग लगाते हैं। वो है तत्व योगी, है ना। उनका योग चैतन्य से नहीं है, तत्व से है। चैतन्य तो बाप है, तत्व तो ब्रह्म है। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है, कहाँ? इस साकार लोक में। बाबा ने तो हमें तीनों लोकों का ज्ञान दिया, तो वहाँ ब्रह्म तत्व में आत्माएं रहती हैं, और यहाँ जब पाठ बजाने आते हैं साकार सृष्टि में, तो जीव आत्माएं, कोई भी आत्मा आती है तो शरीर लेती है पहले। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है, क्योंकि ये बात कहीं चल पड़ी है कि अभी मुक्ति में जाना है, घर जाना है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें, नहीं। वो समझते हैं कि ब्रह्म ही परमात्मा है, और फिर उसमें जैसे आत्मा मर्ज हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ऐसे मर्ज हो जाए, लीन हो जाए, तो उसका तो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो कि वास्तव में हमें वहाँ जाके निवास करना है, कोई लीन नहीं होना। भक्ति मार्ग में कितनी खिट खिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ दो अक्षर ही समझाते हैं। कौन से दो अक्षर? मन मनाभव मध्याजी भव, मुझे याद करो और वर्षे के मालिक बनो। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तो जितने मनुष्य उतने रसम रिवाज। स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो किसी को किसी की, किसी को किसी की याद रहती। हम बच्चों को अपनी अपनी चेकिंग करना, मुझे बाप और घर की ही याद है या और भी कोई याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का। तो अगर अभी वापस घर जाना है और सुख धाम में आना है, पहले पहले वो भी ऊंच पद पर, तो वर्षा पाना है तो एक बाप को याद करना है। वही दिल में याद रहता है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। यहाँ कोई चैंटिंग, राम राम कुछ नहीं कहना। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। यहाँ से बुद्धि की बात है, बुद्धि से याद करना है, और बुद्धि में जानते हैं किसे याद कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम पहले मुक्ति धाम में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है, इसलिए दाता को याद करने से वर्षा मिल जाता है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये संगम का एक एक सेकेंड कमाई का समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। बाबा कई बार समझाते हैं इस जन्म का तो 3-4 वर्ष से भी जो पाप किए हैं वो भी याद रहते हैं। सत्युग में ये बातें होती नहीं, क्योंकि सत्युग में कोई ऐसा नहीं कि पाप की स्मृति रहे। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, जानते हैं ना। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म।
जो जन्म जन्मांतर करते आए हो और बाप की निंदा भी बहुत की है। अभी समझना होता है कि कितने पापों का बोझा है। 63 जन्मों से पांचों विकारों के अधीन, मुख्य काम के अधीन, इतने पाप किए और फिर दूसरा पाप का बोझ कैसे चढ़ा जब बाप की निंदा की है। बाप जो सर्व को सदगति देते उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। क्योंकि जब ये बातें ध्यान में रखें तो ओना रहे कि मुझे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, हर सेकंड को सफल कर विकर्म विनाश करने हैं। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। दुनिया में कहते हैं ना वाहे गुरु, बाबा कहते हैं वह तो एक सतगुरु की है, गुरु की भी कोई वाह नहीं है। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं, वह सतगुरु, वो भी सतगुरु की पहचान हो तब तब कहें वह, क्योंकि बाबा तो हमें मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते। मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना, सतगुरु की कमाल क्या है कि मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। वो गुरु तो अनेक है, ये है एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं, गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं ना, गुरु भी बदल बदल कर। ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए, क्योंकि सोचते हैं अच्छा ये वाले गुरु से और कुछ प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे 63 जन्म गुरु करते नीचे गिरते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। इसलिए अब हम यहाँ के चक्कर से निकल रिटर्न जर्नी के लिए बाप को याद करते हैं। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं, तुमने हमको कहा है कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। याद आया कि बाबा को पुकारा है, आओ पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बाबा कहते हैं ना दोनों धाम पवित्र हैं, शांति धाम भी सुख धाम भी। बुलाते हैं हमको घर ले चलो, घर सबको याद है ना, घर सबको याद है। इसलिए मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए कहते रहते हैं। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परमपिता परमात्मा भी परम धाम में रहते, कौन सी आत्मा कहेगी? नॉलेजफुल आत्मा, हम बच्चे। हम क्या कहेंगे? हमारा घर शांति धाम है, हमारा बाबा भी शांति धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा कहते तुम पर सतगुरु मिले हैं ना, तो सतगुरु बाबा के मिलने से हम पर बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा शुभ मानी जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अब बेहद की बृहस्पति की दशा, सबसे अच्छी दशा हम बच्चों की है। यह है बेहद की बात, बेहद की दशा सब पर बैठी है। ऐसे नहीं एक बृहस्पति एक राहु में नहीं, बाबा कहते सब पर बृहस्पति की दशा है अभी, क्योंकि बाबा आया हुआ है बच्चों के लिए। चक्र फिरता रहता है और चक्र में अभी कौन सा समय है? संगम युग, तो बृहस्पति की दशा है। हम ही सुख से दुख में फिर दुख से सुख में आते हैं। चक्र देखो कैसा है ना, वही दुख और सुख का खेल चलता है। शांति धाम सुख धाम, फिर ये दुख धाम, फिर शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, ऐसे चक्र चलता है। ये भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता है ना, वो भी बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठे, उसके लिए निश्चय बुद्धि पवित्र बुद्धि बने तब जाकर बैठे, तो हम बच्चों की बुद्धि में बैठता है। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं, परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं,
फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं, है ना। तो ये शमा और परवाने के बारे में कहा जाता है। जब शमा जलती है तो परवाने आकर्षित तो होते हैं, उसमें से कई फिदा होते हैं शमा पर, कई ऐसे ही फेरी पहन कर चले जाते हैं। अब बाबा कहते हैं, बाबा शमा है, हम परवाने हैं, अब हम फेरी लगाने वाले तो नहीं है ना, तो हम फिदा होने वाले हैं, माना याद में डूबने वाले हैं, याद में सर्वस्व स्वाहा करने वाले हैं। ये भी बैटरी है ना, सबका बुद्धियोग उस एक से है, तो फिदा होना माना अब हम बाबा की याद में हैं। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है ना, बैटरी जैसे सोर्स से जुड़ी हुई है, इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। किस आत्मा की बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा के तो तन में शिव बाबा बैठे हैं। और फिर बाबा कहते हैं, हम बच्चे भी जितना बाबा की याद में फिदा होते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती हैं, इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। भल बाबा तन में बैठे हैं, फिर भी बुद्धियोग जोड़ने का पुरुषार्थ तो करना होता है जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है ना। सेम पुरुषार्थ तो दोनों का सेम है। ये जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है, बहुत बोझा किसका? जिम्मेवारी का। गायन भी है, जिनके माथे मामला नींद कहाँ से आए, तो जिसके सिर पर जितनी जिम्मेवारी होती है उसकी नींद फिट जाती है। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना, बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है, इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं, बाप तो संपूर्ण है लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो सारी श्रीमत का पालन करना है, और ब्रह्मा बाबा पर कितनी जिम्मेवारी है इतने सारे बच्चों की देख रेख करने की। फिर भी शिव बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा बाबा को सहज याद करते हैं, और हम क्या कहते हैं? बाबा हम पर बहुत जिम्मेवारी है ना, हमारी याद भूल जाती है। आज पूछना अपने आप से, हम पर क्या ब्रह्मा बाबा से भी ज़्यादा जिम्मेवारी है सर पर? भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना, बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। अब ब्रह्मा बाबा के पास तो इतनी रिपोर्ट आती बच्चियों के मार खाने की, तो ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे असर तो आता होगा। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक तो ख्याल होता है, सुने कि कोई मार खाता है तो ज़रूर है, ख्याल तो होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है, है ना। सर्विस का समाचार आने से बाप ज़रूर उनको याद करेंगे। अब जब चिट्ठियाँ नहीं आती तो बीमार माना आत्मा कहीं माया की बीमारी में तो नहीं फंस गई। और फिर ये भी आता है कि सर्विस का समाचार है माना आत्मा स्वस्थ है, तो बाप की याद भी उसको पहुँचती है। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूं तो भल दो चार रोज़ मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती हैं, तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं एक दिन लिखा फिर वो कभी पढ़ना ही नहीं है। बाबा कहते हैं, कभी कभी मुरली के जो नोट्स बनाए हैं वो भी रिवाइज करने चाहिए। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो, बैच सबने लगाया है ना, हाँ बैच हमेशा पड़ा रहे, है ना। जब कांध पर बैच होता है तो कभी भी अवसर मिला तो किसी को समझा सकते हैं। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, झाड़ भी ज़रूर साथ में होना चाहिए, है ना। तो झाड़ का चित्र हो या जो सीढ़ी का चित्र हो, तो चित्र पॉकेट चित्र भी रखना है, बैद से भी चित्र से समझाना है, तो बाबा कहते समझाने की सामग्री सदा रहे। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, वैरायटी धर्मों का राज कौन से चित्र में है? कल्प वृक्ष के चित्र में, झाड़ के चित्र में। तो पहले समझाना, पहले एक अद्वैत धर्म था, एक तना,
फिर इतने सारे टाल टालियाँ निकले। विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है वैसे तुम भी बनते हो, क्योंकि बाबा से ज्ञान सुनते सुनते याद में रहते रहते बाबा का सब कुछ जैसे हम आत्मा में धारण होता जाता। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है किस बात में कमी है ना। बाप को देखो, अपने आप को देखो और फिर चेक करो किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो, है ना। ऐसी चलन, कम से कम ऐसी चलन हम ब्राह्मण परिवार में तो नहीं चलते जिससे कोई नाराज होता हो, क्योंकि जो आत्माएं श्रीमत पर चलते हैं वो हमसे नाराज हो, ऐसी चलन तो नहीं है। प्रेम का सागर हूँ, मेरे संकल्प बोल कर्म प्रेम स्वरूप हैं। अपने ऊपर नज़र रखनी है ना, अपने ऊपर नज़र रखनी है। हम बाबा के बच्चे हैं, मास्टर ज्ञान सागर, हमें कोई और बताए अच्छा नहीं लगेगा। हम अपने आप को चेक और चेंज खुद कर सकें। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे, नहीं। बाबा की तो आशीर्वाद है कि बाबा विधि बता रहे हैं अपनी खामियों को कैसे चेक करना है। सारे दिन चेक करो, मेरा पिता शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, तो मैं मेरा संकल्प बोल कर्म प्रेम स्वरूप है, नहीं है तो चेंज करो। बाप कहते मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ, मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है, ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। सत बाप क्यों? सत सच वर्षा देने वाला, सत टीचर सत्य की पढ़ाई पढ़ाने वाला, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत की बात सुनाने वाला, ज्ञान सुनाने वाला। सतगुरु सचमुच मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने वाला एक ही है। ये भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है, क्योंकि पक्का निश्चय की निशानी क्या है कि हम बाबा की मत पर चलेंगे। इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई घराना नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। बाबा कहते ज्ञान सुन तो लेते हैं लेकिन सारे दिन ज्ञान की पॉइंट को बुद्धि में उगारना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, है ना। क्योंकि बाकी दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको बुद्धि में लाने से खुशी होगी, लेकिन ज्ञान की पॉइंट जो है वो खुशी में लाने वाली पॉइंट है। मैं कौन, मैं किसका, मेरा आदि मध्य अंत क्या, कौन पढ़ा रहे हैं, कौन सा युग चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, विचार चले तो बहुत जैसे खुशी हो आत्मा को। बाप में नॉलेज है वो तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और धारण करने के लिए तो सारा दिन बुद्धि को याद में और विचार सागर मंथन में बिजी रखना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में तो इतने धक्के खाए, खुशी शांति के लिए कहाँ कहाँ भटके। बाबा कहते हैं बस मेरी याद में रहो तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, सारी थक दूर हो जाएगी। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसको नोट करना, नींद में क्या होता है, आत्मा देहभान से न्यारी हो जाती है, इसलिए कान खुले हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता, है ना।
सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं, क्योंकि आत्मा ही कर्मेंद्रियों को यूज़ करती है। तो आत्मा न्यारी हो जाती तो फिर कर्मेंद्रियां भी रेस्ट पा लेती। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। देखो कितना सुंदर बाबा बता रहे, ऐसा करते करते जब आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी ना, थकेगी नहीं, तो उसको नींद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात दिन जैसे निद्रा जीत हो जाएंगे, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे, उबासी व पिनकी झुटका आदि नहीं आएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते सोते जागते इतनी कमाई करो कि नींद से छूट ही जाओ। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे ना, तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। उबासी उदासी की निशानी है। जब दुनिया की बातें याद करते हैं तो उबासी आती है। बाबा के ज्ञान को बुद्धि में उगारें तो कभी उबासी नहीं आएगी। तुम बच्चों को ये भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, राजा बनना है ना, तो राजा बनना है राजधानी में तो अपनी प्रजा तो तैयार करनी पड़ेगी, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, औरों को भी आप समान बनाना है। जैसे हम विश्व कल्याण कर रहे हैं ऐसे औरों को भी ऐसा बनाना है, तब तो हम राजाओं का राजा बनेंगे। धन दिए धन न खुटे, दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं। ज्ञान धन ऐसा है जितना दान करते उतना बढ़ता है, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, है ना। मनहूस किसको कहते हैं, जिसके पास है पर दान ना करे। तो बाबा कहते हैं ऐसे मनुष्य होते हैं, पर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए। धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूँ। कौन सा अविनाशी धन? ज्ञान धन। तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है कि ज्ञान धन मिला और अपने तक रखे, किसी को ना दे। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं, है नहीं तो होगा भी नहीं, है ना, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता। ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है, इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। इनकॉग्निटो माना गुप्त। देखो हमारी कमाई भी गुप्त, हमारी लड़ाई भी गुप्त। हम कितनी बड़ी युद्ध करते हैं माया के साथ, लेकिन हमारा जो नाम है वो किसी योद्धा के रजिस्टर में नहीं है। तो हम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। पांच विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। बाबा हमें क्या कहते हैं, अननोन पर बट वेरी वेल नोन, क्योंकि आज भी हमारे चित्र बनाते हैं देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में, क्योंकि हमने विकारों पर जीत पाई। लेकिन इस समय हम गुप्त हैं, इस समय कोई नहीं जानता कि वो हमारे चित्र हैं। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, है ना। सेना में भी क्या होगा, महारथी घोड़ेसवार कम होंगे, प्यादे बहुत होंगे। हमें प्यादा बनना है, महारथी घोड़ेसवार कौन सा बनना है, है ना। यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम सेना हो उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, बाबा को तो सब पता है। महारथी घोड़ेसवार है ना, ये तो बाप जानते हैं। तीन प्रकार के समझाने वाले हैं, महारथी घोड़ेसवार और प्यादे। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का। जैसे वो भी व्यापार सिखलाते हैं, गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना, तो यहाँ भी ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है,
जो चलता ही रहता है पूरे संगम युग में, है ना। कितने नए नए बाबा के जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों के दुकान खुलते रहते हैं। वो है स्थूल, ये फिर है सूक्ष्म। वहाँ तो व्यापार स्थूल होता है, यहाँ ज्ञान रत्नों का ये जो व्यापार है बहुत सूक्ष्म है। किसके पास कितना खजाना है वो तो देखने से मालूम नहीं पड़ता। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उनों का सुन सकते हो, वो लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, है ना। क्योंकि ये बातें जानने से फिर उनको उन्हीं की विधि से समझा सकते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। ये ड्रामा में नोंद है, क्योंकि बाबा कहते हैं कल्प कल्प वही जो दैवी कुल के थे वही आकर मुझसे वर्षा पुनः लेते हैं। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। देखो पॉपुलेशन रोज़ बढ़ रही है ना। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है, फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, सब हिसाब रखना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं वृद्धि देखो होती जा रही है, तो फिर नए नए सोच चलती है कैसे इनको रखें, किस प्रकार खाने की वृद्धि करें, अनाज उगाएं, कितने देशों की प्लानिंग चलती है। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, वहाँ तो इतना बजट बनाना ये करना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो मनुष्य थोड़े और प्राकृतिक संपदा अकिचार होती है, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। कहाँ पर, सतयुग में। अनाज रख कर क्या करेंगे, वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते। वहाँ प्रकृति कभी धोखा नहीं देती कि बारिश नहीं पड़ी, फैमिन हो गया या बाढ़ आ गई, तो इसलिए वहाँ कोई ऐसे इकट्ठा करके, है ना, जैसे यहाँ पर क्या होता गोडाउन बनाते हैं, इतना स्टोर करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। सुना, पुरानी सृष्टि, सृष्टि नहीं स्वाहा होती, पुरानी सृष्टि। ये है बेहद का यज्ञ। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं और हद के यज्ञ हद के सेठ रचते हैं। ये बड़ा सेठ है ना बाबा, तो इसने बेहद का यज्ञ रचा है। वो तो हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए, बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। यहाँ तो ऐसा यज्ञ है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती और ऐसी दुनिया में चले जाते जहाँ से बरसात नहीं, वहाँ हर प्रकार का सुख शांति संपत्ति सब होते। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। भल यज्ञ आदि रचते हैं परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं, है ना। और जैसे बाबा के इस बेहद के यज्ञ से तो ज़रूर स्वर्ग आएगा, निश्चित है, सर्टेन है। लेकिन दुनिया में यज्ञ रचते हैं, कभी बरसात होगी कभी नहीं होगी, आफतें तो सब आनी है, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे। बाबा कहते बड़े बड़े स्थानों पर चक्र का चित्र रखो तो सुने। देखो 12 बज रहे हैं, ये देखते हैं तो बुद्धि में आता है ये कौन सी घड़ी है, किस चीज़ के 12 बज रहे हैं, क्योंकि कलयुग में बैठे हैं तो पता है, फिर सतयुग को देखते हैं तो बुद्धि में आता है। समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने ज़रूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बाबा आए हैं तो बाबा हेवनली गॉड फादर हैं, तो ज़रूर है हेवन भी आ ही रहा है, और ज़रूर है कि बाबा से के आने से लक्ष्मी नारायण का राज्य भी आना ही है। बात तो बड़ी सहज है, शिव जयंती मनाई जाती है, वो है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे,
ये तो बहुत सहज बात है, बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, समझना भी है और समझाना भी है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं, है ना। सोचो आज कितने प्रकार के दुख हैं, और बीमारियों का दुख तो बहुत है, तो बाबा कहते हैं अब हम 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं, बाकी थोड़ा समय है। भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे, है ना। बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलूक का शिकार, है ना। भले ही जानवर मरता है, लेकिन शिकारी के लिए तो शिकार होता है, तो हम उस समय बाबा की याद में होंगे, बहुत खुश होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है, फिकरात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे, वो तो ड्रामा के पट्टे पर यही सोचेंगे, नथिंग न्यू। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर में आ जाता है ना। मनुष्य को क्या, एक थोड़ा खून देखा चक्कर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको ड्रामा पर निश्चय नहीं है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। गायन भी है मिरुआ मौत मलूक का शिकार, इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है, ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा ज़रूर बनानी है। दूसरी पॉइंट, अपना पोता मेल देखना है। क्या क्या? पहला, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। दूसरा, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करता हूँ। तीसरा, अपनी चलन पर पूरी नज़र है। वरदान है ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। बाबा कहते हैं हर एक में ज्ञान बहुत है ना। बच्चों से बात कर रहे हैं ना बाबा, तो बच्चों में ज्ञान बहुत है हर एक में, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की, है ना। गुणों का भी ज्ञान है, लेकिन गुणों का स्वरूप नहीं है। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। गुणों का दान बोल कर नहीं दिया जाता, आप मीठे बनो, आप सहनशील बनो, नहीं। जब आप मीठे बनेंगे, सहनशील बनेंगे, आपके स्वरूप में नजर आएगा, तो सामने वाला आपको कॉपी करेगा। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने के कार्य में तत्पर रहना है। हम गुणमूर्त बनेंगे तो जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जब अपने संकल्प में मुझे गुणमूर्त बनना है, तो कम से कम आप व्यर्थ सुनने देखने और बोलने से छूट जाएंगे। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ, पहले मैं, पहले मुझे गुणमूर्त बनना है, ये समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। गुणों की धारणा क्यों नहीं होती? एक छोटा सा कारण है, पहले वो करें तो मैं करूं, नहीं। पहले मैं करेंगे तो अपनी कमजोरियों से भी छूट जाएंगे, दूसरे भी कमजोरियों से छूट जाएंगे। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। समझते हैं? जब संकल्प है, मनसा के स्वरूप में है, तो शक्तिशाली स्थिति से मनसा के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ, वाणी के द्वारा ज्ञान सुनाओ
और अपने कर्मों में ऐसा गुणमुरत बनो, ऐसा मीठा, ऐसा सहनशील, ऐसा धैर्यता, नम्रता की मूरत कि हमें देखकर दूसरे भी कॉपी करें और ये गुणों का दान होता रहे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 31 जुलाई 2024 के अव्यक्त इशारे। हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो। ये नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, पर मैं क्या दे सकता हूँ। तब कहेंगे पर उपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, है ना, न मान न शान कुछ नहीं, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते पर उपकारी। बाबा ने सदा बच्चों को आगे किया, रहने खाने, है ना, वस्तु साधन सब कुछ बच्चों को पहले दिया। यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर कर समान बनो। जब संपन्न बनते हैं तो फुल हो जाते हैं ना, फुल देना सीखता है, है ना, लेना ये खाली की निशानी है। तो संपन्नता की संपूर्णता माना, जब फुल अवस्था होती तो हम दाता बन दूसरे को देते हैं, उससे मुझे क्या मिले ये संकल्प नहीं। अच्छा, ओम शांति।